इज द पेपर ऑफ द हाफ ईयर एग्जामिनेशन मैथ्स का था, मैं आपको सारे बता सकता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है। सेक्शन ए पहले एक बड़ी बहुत बड़ी वंच की बड़ी साइंस की जो थी, साइंस एंड मैथ्स की बनी बनने वाली है। और एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्यों होल नंबर नहीं होता, क्योंकि 1/2, 3/5 ये सब रियल होल नंबर नहीं है। इंटीजर नहीं होता क्योंकि सब में माइनस प्लस के साइंस नहीं होते, मिक्सअप रहते हैं सारे। और नेचुरल नंबर नहीं होते क्योंकि एक के बाद एक नहीं आते हैं, एक रियल नंबर भी कह सकते हैं। ये हैं सेमी नेचुरल होते हैं, सेमी इंटीजरियल होते हैं, सेमी होल्स होते हैं, हैं तो इनका। और जब सबको हम मिला देते हैं, और सेमी रियल भी होता है, सबको मिला देते हैं तो वो कंप्लीट रियल बना देते हैं। तो कौन सी लाइज ऑन बोथ एक्सिस, एक्स 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 में और वाई एक्सिस में लाइक करते हैं। तो कौन टाइप सी सर ऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है, बताना है कौन से क्वाड्रेंट पे ये लाइक करते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ एक्स है, गिवन फिगर में ये है 3x + 10, ये है एक्स, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये जो खाली है एक्स हो जाएगा ये भी, और 90 + ये + ये इक्वल्स 180 डिग्री वो हो जाएगा जूनियर पी एस से, और फिर आपका एक्स वैल्यू निकलता है। ये 3x + 10 है, नहीं लिखा हो तो मैं बता दूँ आपको, और इसका आंसर C20 आएगा। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, इनफाइनाइट। और इसी तरीके से हम देखें तो एक सर्किल है अगर हमारे पास, उसकी सिमेट्री करने की लाइन्स भी कितनी होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड और मीडियन कौन साइड करते हैं, एल्टीट्यूड और मीडियन एक ट्राइंगल थे, किस में कौन साइड करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे, सेक्शन ए एक मार्क का एक था, सेक्शन बी पे आते हैं जो कि 6 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के। एक्सप्रेस करना था 0.235 बार को पी बाई क्यू फॉर्म में, बहुत आसान से कर सकते हैं, एक ही वैल्यू निकालनी थी ये, अगर ये डिविजिबल है मतलब ये इसका एक्स, इससे एक्स की वैल्यू निकाल लेते, पुट कर देते इसमें, इक्वल टू शुरू कर देते कि डिविजिबल है, फैक्टर है ना इसका, हाँ। और ये कर सकते थे आप ये x³ + y³ + z³ - 3xyz = 0, तो ये आइडेंटिटी इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था कि कौन से क्वाड्रेंट पे सारे लाइक करते हैं, पुट मार्क करके आप देख लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस क्वाड्रेंट पे लाइक करते हैं। उसके बाद एरिया फाइंड करना था ट्रायंगल का, जिस ट्रायंगल का जिसके ये तीनों साइड्स हैं, गिवन फिगर है ये, क्वेश्चन नंबर मैं आपको क्वेश्चन नंबर नहीं बता सकता, बट ट्रायंगल्स का इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स आप पर है तो उसमें आपको दिखेगा। और ये तो फिर यूक्लिड का आ गया, तो इसमें एग्जियम कौन सी यूज़ होगा आप वो देख लें, एग्जियम वो वाली यूज़ होगी इसमें, कौन सी होती है, हाँ, व्हेन द इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल्स, गॉट इट। उसके बाद इसको करना था रैशनलाइज करते हैं, नॉर्मल एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हो जाती, प्रोडक्ट करने से डिबिलिटी x - a - b a + b वैल्यू करते, फिर जो आती है उसकी वैल्यू उससे ये करते, फिर वही सेम चीज़ हर पूरे उसमें एक आइडेंटिटी लगी थी, a + b a - b = a² - b². इसमें ट्रायंगुलर प्लॉट है ये है, इसके रेशियोज पैरामीटर एरिया, एरिया फाइंड करना है आप कर सकते हैं, पॉइंट्स ये बता के कोलिनियर है या नहीं, और एरिया भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्लास साइंस का पेपर है, एरिया फाइंड करने में भी आप में ना हो, आपके स्कूल में ना कराया गया हो, बट ये स्कूल बहुत अच्छा है, आगे करवाते हैं, सो हर नॉर्मली आगे ही क्लास का करवाते हैं, हमेशा 10th का ही बेस लेके चलते हैं, क्योंकि मेनली 8th, 9th, 10th किस चीज़ पे टिकी हुई है, 10th कंप्लीट कराने के लिए, तो 8th, 9th से कुछ कुछ नई चीज़ें हमें स्टार्ट हो जाए, रूट के ऊपर 9th में आया, 9th में इनइक्वालिटीज ट्रायंगल आए, और बाकी AS आए, प्रॉपर्टीज आई हैं तरह तरह की, तो इसका मिक्सचर क्या है 10th क्लास में है, तो इसीलिए 8th और 9th क्लास में इस स्कूल में 8th और 9th क्लास में ही 10th की कुछ कुछ चीज़ें लेके 10th की कुछ चीज़ लेके 8th और 9th में बताई जाती हैं, ताकि बच्चा अच्छे से 10th के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद हम कहाँ थे, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये जो क्वेश्चन था एग्जांपल था लाइंस एंड एंगल्स में, आप देख लें, इवेलुएट करना है इसको, एफ की वैल्यू को फाइंड कर लें, ये नहीं आ रहा तो आप ये कर लें, वो बहुत आसान है, x + y एक्स की वैल्यू निकाल के आप वाई भी इसमें पुट कर दें आ जाएगा आंसर। रिप्रेजेंट 9.3 बुक में दिया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेशल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, खुद देखिए, वैसे भी मैं बता दूं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की एक मात्र ही रहता है, अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, बट कंस्ट्रक्शन कर जाइए, कंस्ट्रक्शन नहीं के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो आपको हाफ मिलेगा या जीरो मिल जाएगा, बट अगर आपने ये किया है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो जितने भी मार्क का क्वेश्चन है उसमें एक ही मार्क कटेगा, अगर आपने स्टेप्स ऑफ गलत भी लिख दिया तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेगा, ये सही है अगर तो। उसके बाद ये लिखना था एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, खोलो जो कट रहा है काटो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा इसको, अगर ये नॉन जीरो है, ABC नॉन जीरो है, ये करने पे जीरो हो जाते हैं, तो प्रूफ करिए कि ये इसके इक्वल है, ये भी रैशनलाइज कर देंगे इसका डिनोमिनेटर, आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बुक में से देखा हुआ है,
मैं खाई क्वेश्चन आप देख लें, एग्जाम पाँचों के पाँचों याद कर लें, काम की होती है, समझ लें, लिख लेती हूँ। अब सेक्शन डी पे आ जाते हैं, हाँ सॉरी सेक्शन सी अभी हम कर रहे थे, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे इसमें। अब जो सेक्शन डी में आ गए हैं ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनोमियल एन एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये फैक्टर है, उसके बाद लीव्स करता है रिमाइंडर एन जब इसे डिवाइड हुआ, तो मैंने कि एम की वैल्यू पुट कर दें इसमें, ठीक है, और साथ ही साथ इसको एक्स की वैल्यू 3 आएगी इक्वल्स टू एन कर दें तो एम की वैल्यू आ जाएगी। ये है ये प्रूफ करना है, बुक में से ही था एग्जांपल, ध्यान से देखिए कर हो जाएगा। इन द गिवन फिगर ए बी सी, ये भी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज का ट्राइंगल्स का था क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एग्जामिनर कहता है कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस पेपर बहुत लंबे था इसलिए मैं इसे बहुत छोटा कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एक्स वाई ये माइनस 1 है और एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करने भी माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर दें, खुद इसी में से आंसर आपका इसका निकल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो ये कर दें, एक्स की वैल्यू 4 प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 इक्वल टू 47 है, ब्रैकेट में ले लें पावर की 4 को प्लस अंडर उधर ले जाके अंडर रूट 47 की पावर 1/4 हो जाएगी, देन फिर 1/3 करके आप निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन पर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे ही भाई पढ़ते हैं। फैक्टराइज करना था इसको लॉन्ग डिवीजन फैक्टर थ्योरम से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हम सब कर सकते हैं, बहुत इजी है। या प्रूफ करना था कि इसको करने पे ये होता है, तो ये तो प्रूफ करना हार्ड था, ये आसान था क्योंकि ये किया हुआ क्वेश्चन था, यह लिटिल बिट डिफरेंट था बट कर सकते थे। डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है इसमें और कुछ नहीं, ये करना है एक ये नॉन पैरेलल ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स ही हैं, वो है हाइट प्लेन की, अरे पता ही आपको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को फॉर्म करके इसमें ये बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। देख लीजिए ई से एक और लाइन बनाएंगे आप ऐसे जो पैरेलल हो इन दोनों लाइन के, फिर ये 180 डिग्री में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 180 डिग्री में से ये माइनस करेंगे आ जाएगा, और जो दो ये दोनों आएगा उसको दोनों ऐड करेंगे तो एक्स आ जाएगी। इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक और लाइन बना लीजिए ये, और इसको अगर ट्रांसवर्सल लें तो ये वाला एंगल पूरा जो यहाँ पे हम बनाएंगे एक लाइन, ये वाला एंगल 180 होगा, क्यों को इंटीरियर एंगल्स, तो ये प्लस ये माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसको भूल जाइए, इसको ही भूल जाइए एक्स, और यहाँ पे जो लाइन गई है इसको अगर ट्रांसवर्सल ले लें सी ए को, तो एक्स प्लस ये जो हमारा एंगल बना हुआ बनेगा ना यहाँ पर उसको 180 डिग्री में ऐड कर देंगे तो ये जगह 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इन द गिवन फिगर ये है ये ए बी सी प्लस बी सी डी क्वेश्चन 180 डिग्री प्लस सी डी ई, ये था ए बी सी डी ई, इसको आपको क्या हमें ए बी सी और सी और बी सी डी वगैरह इसके एंगल को इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये सी डी ई प्लस 180 डिग्री के इक्वल होगा, आपको खुद प्रूफ करना है। क्या ये आपको दिखा दिखाया क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का कि ये आर ओ टी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 90 डिग्री होगा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, पी ओ एस पी आर ओ एस पहले निकालेंगे फिर एस ओ टी निकालेंगे। पी ओ एस क्या करेंगे, अगर पी ओ एस एक्स है तो ये एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है एक्स बाई 2 हो गया। एस ओ टी कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस पी ओ एस 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू एस ओ क्यू, एस ओ टी कैसे निकालेंगे 2SOT इक्वल टू एस ओ क्यू हो जाए ना, तो फिर एस ओ टी की वैल्यू निकाल देंगे 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 90 डिग्री एक्स माइनस 2 एक्स बाई 2 कट गया 90 डिग्री, तो आर ओ टी 90 डिग्री है। ओके सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, अगर हुए नहीं है तो अगर हो गए तो नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ये प्रैक्टिस करके जाएँ। मे बी आपको ऐसे ही बताएं कि क्या कहते हैं हम इस बार लास्ट में क्लास 9th के सेकेंड ईयरली एग्जाम जो होगा लास्ट में मार्च में, उसमें पूरी बुक आएगी। 9 मिनट्स की वीडियो हो गई है, ओके गुड बाय। कोई कुछ ना समझ आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, डिसलाइक भी करिए, कुछ भी करिए, पर अपने दिखाइए कि यस यू आर समथिंग ना, कुछ रिएक्शन दीजिए, लाइक करिए, अनलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए, पर बताइए कि कैसा लगा, क्या हुआ क्या नहीं। थैंक यू।